हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑन एनवायरमेंटल साइंस। आज हम रेडियो एक्टिविटी का पार्ट टू यानी कि एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो यूजीसी नेट 2017 में पूछा गया था। इसमें हम हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट देखेंगे, कैसे उस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, और साथ ही मैं इस क्वेश्चन के अंत में आपको एक ट्रिक बताऊंगा ताकि आपको जो क्वेश्चन गिवन होगा वो आप 15 सेकंड में सॉल्व कर सकें। तो ट्रिक सीखने देखने के लिए आप मेरा वीडियो पूरा देखें, और साथ के साथ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और आपके दोस्तों को मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। देखते हैं अपना क्वेश्चन जो यूजीसी नेट 2017 में पूछा गया। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 32 आवर्स। हाउ मच टाइम इट वुड टेक फॉर इट्स 75% डिसइंटीग्रेशन। ऑप्शन दिए हैं मैं 16, 96, 128, 64 आवर्स। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो शॉर्टकट ट्रिक जो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, उससे पहले हम कन्वेंशनल जो तरीका है उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं कन्वेंशनल मेथड पहले। इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो फॉर्मूला यूज होगा रिमेनिंग क्वान्टिटी आफ्टर टाइम टी, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट हाफ ऑफ टी अपॉन टी वन बाई टू। तो इसमें जो हमारा t है वो है टाइम एट विच 75% डिसइंटीग्रेशन हैपेंड। ठीक है, यानी कि 75% हमारा जो रिडक्टिव एलिमेंट है वो डिसइंटीग्रेट हो गया, वो टाइम है। और t हाफ है हमारा हाफ टाइम, यानी कि हाफ टाइम हाफ लाइफ, यानी कि कितने टाइम में वो जो हमारा एलिमेंट है वो हाफ डिके हो जाता है। तो इसमें हमें टी हाफ गिवन था क्वेश्चन में, वो है 32 आवर्स। टी हमें फाइंड आउट करना है, तो इसमें हम यू देख लेते हैं एन टी हमारा जो क्वांटिटी है रिमेनिंग कितनी है। तो एन टी हमारा क्या है, 75% हमारा डिके हो गया। तो एन नॉट हमारा है सपोज 1, तो माइनस 0.75% ऑफ एन नॉट, तो हमारा रिमेनिंग हो गया 0.25 एन नॉट हमारा रिमेनिंग रहेगा 75% डिसइंटीग्रेशन के बाद। तो हम इसे क्वेश्चन को पुट कर देंगे इसमें, जैसे एन नॉट आपको इनिशियल क्वांटिटी पता होगी, एन टी हाफ हाफ लाइफ, जैसे हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। तो अब 0.25 एन नॉट को हम एन टी के प्लेस में रख देंगे। तो एन टी के प्लेस में हम इसको रख दिया यहाँ पे एन नॉट। ठीक है, एन नॉट की वैल्यू रख दी, एन नॉट की वैल्यू में एन नॉट है। ठीक है, तो दोनों हमारे क्या हो गए, कट हो गए। तो हमारा जो हो गया 0.25 इज इक्वल टू हाफ टी की पावर 32। अब इसमें हमने क्या, दोनों साइड लॉग ले लिया, लॉग हाफ बेस हाफ ले लिया। जब हम लॉग बेस हाफ लेंगे ऑन बोथ साइड तो हमारा क्या हो जाएगा, इस साइड जाएगा लेफ्ट हैंड साइड हमारा लॉग हाफ बेस 0.25 इक्वल टू टी 32। ओके, तो दोस्तों यह जो फॉर्मूला है इसको आप रिमेम्बर रखिएगा, जब भी हमारा लॉग की बेस ए है और यहाँ पे वेब एक्स क्या है बी है, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग सी बी और लॉग सी ए। तो ये हमारा जो बेस है इसे हाफ है, तो हम कन्वर्ट करेंगे लॉग बेस 10 में, और इसको हम लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारा जो ये है लॉग बेस 10 है, यहाँ पे बेस 10 ये अंडरस्टूड होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 0.25 डिवाइड बाय 0.5, जो बेस वाला जो है वो आपका डिनोमीटर में आ गया। तो इसकी वैल्यू हमारा हम देख लेंगे, या इस अगर कैलकुलेटर नहीं होगा तो आपको इसकी वैल्यू याद रखनी होगी। लॉग 0.25 की वैल्यू थी -0.602, अब 50 का उसका हाफ होता है तो -0.301। तो इसको हम डिवाइड ये कट करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 आ गया, और t इज इक्वल टू हमारा हो गया 64 आवर्स। तो दोस्तों आपको इस फॉर्मूले को, लॉग फॉर्मूले को याद रखना है ताकि आप इसे सॉल्व कर, ये क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएं, और लॉग 0.25 और लॉग 50 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अगर दोस्तों आपको ये वैल्यू याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम आगे शॉर्टकट ट्रिक में डिस्कस करते हैं। तो हम देखते हैं ट्रिक में कैसे करना है। तो हमें पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे दोबारा से एक बार सही से, कि हमें हाफ लाइफ दिया है इसमें 32 आवर्स। ठीक है, हाउ मच इट वुड टेक फॉर इट 75 डिसइंटीग्रेशन। तो हम 75 हमारा डिसइंटीग्रेशन, हमारा रिमेनिंग कितना हुआ 25, हमारा क्या रहेगा रिमेनिंग रहेगा।
तो हम जो 25% जो रिमेनिंग है उसके बेसिस में इसको सॉल्व करेंगे। तो आप ये पहले हमारी वैल्यू निकाल लेंगे। सपोज यहाँ पे देख लेंगे 100 है, 100 को हम हाफ करेंगे 50, तो कितने देर में होगा वो, क्या टाइम लेगा, 32 आवर्स। 50 को हम 25 करेंगे कितना आवर्स लेगा, 32 आवर्स। तो हम इन दोनों को 32 आवर्स और 32 आवर्स को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 64 आंसर आ जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें लॉग और जो फॉर्मूला है वो याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोस्तों ईयर नहीं आवर होगा, आवर ये भी आवर होगा दोस्तों, ये 32 आवर्स होगा, दोनों वैल्यू आवर्स में हमारी होंगी। तो दोस्तों देख लीजिए, जब भी आपको पूछा जाए 75% डिसइंटीग्रेशन हो गया या 50% हो गया, 25% हो गया, तो आप इस स्वाइप ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ पे भी आप 100, 50, 25, 12.5 उसका हाफ, तो आप उसका इजीली सॉल्व कर सकते हैं बिना लॉग नंबर के रखे। तो ये आप क्वेश्चन 10 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्तों को भी मेरे क्वेश्चन सॉल्व न्यूमेरिकल की वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।